जय जिनेन्द्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम पाइल्स की बहुत ही बेहतरीन दो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो आप सिम्टम्स के हिसाब से ले सकते हैं और बहुत ही इजी है उनको चुनना। एक तो मेडिसिन जो है वो ब्लीडिंग पाइल्स में काम आती है और एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में काम आती है। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही शॉर्ट में पाइल्स का हम इंट्रोडक्शन जानेंगे और फिर इन दोनों मेडिसिन में क्या इंग्रेडिएंट्स है ये जानेंगे और कौन सी मेडिसिन आपको किस कंडीशन में लेनी चाहिए, क्या डोसेस रहेगी, क्या रिपीटेशन रहेगा, इसी के बारे में ये वीडियो है। अगर पाइल्स का आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप सिंगल मेडिसिन लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा टेबलेट्स आपको नहीं लेनी है, सिर्फ आप एक या दो मेडिसिन ही लेना चाहते हैं और आपकी पाइल्स की हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम है, उसको आप परमानेंट ठीक करना चाहते हैं, तो आप क्या ले सकते हैं और वो आपको कैसे ठीक करेगी। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहे। मेरे चैनल पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी मिलती है, डिजीज से रिलेटेड जानकारी मिलती है, साथ ही डाइट, न्यूट्रिशन और परहेज क्या आपको करना चाहिए डिजीज वाइज ये भी मैं बताती हूँ। कुछ होम टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ और घरेलू नुस्खे भी शेयर करती हूँ जो आप इजीली घर पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पाइल्स का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन जाने तो पाइल्स जो है वो आपके जो रेक्टल एरिया होता है, एनल एरिया होता है, उसके पास में वेन्स होती है, छोटी छोटी नसें होती हैं। वो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग करते हैं या आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, कब्ज बनी रहती है, बहुत ज्यादा जोर लगा के आप स्टूल पास करते हैं, या फिर अगर आप बासी खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा हार्ड और स्पाइसी फूड खाते हैं, तो कई बार क्या होता है ये जो वेन्स होती है ये आपकी सूज के फूल जाती है, कई बार कड़ी हो जाती है और कई बार इनमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो इसी को हम पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स भी दो टाइप के होते हैं। अगर ये वेन्स आपकी ब्लीडिंग कर रही है तो ब्लीडिंग पाइल्स हो गए, और अगर ब्लीडिंग नहीं कर रही है तो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो गए। बस डिफरेंस इतना है कि एक में ब्लीडिंग होती है और एक में ब्लीडिंग नहीं होती है। जिनमें ब्लीडिंग नहीं होते वो अधिकतर एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, यानी कि आपके जो एनल एरिया है उसके बाहर जो पाइल्स होते हैं वो अधिकतर ब्लीडिंग लेस होते हैं। लेकिन अगर उनकी सिचुएशन वर्स हो जाए, बहुत टाइम तक रह जाए, तो वो भी कई बार ब्लीडिंग वालों में बदल जाते हैं। जब ब्लीडिंग होती है तो अधिकतर केसेस में इंटरनल पाइल्स जो होते हैं वो एंगोर्ज होते हैं, फुले हुए होते हैं और उनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। होता यह कि आपकी जो वेन्स होती है ये कमजोर पड़ जाती है, इनकी वॉल्स कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है फूलने से, उनके ऊपर जोर पड़ने से, और ये आपको सिम्टम्स देने लगती है। लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं कि आपको या तो ब्लीडिंग होएगी, दर्द होएगा, चुभन होएगी, जलन होएगी। ये पहले भी हो सकती है स्टूल जाने के, बाद में भी हो सकती है और उसके दौरान भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं दो बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन के बारे में जो अधिकतर रिकमेंड करती हूँ मैं अपने पेशेंट्स को। हालांकि मैं पोटेंसी भी की मेडिसिन भी साथ में देती हूँ, लेकिन इंडिविजुअल अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो आप उन मेडिसिन को लेते हैं तो उनसे रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप सिम्टम सिमिलरिटी नहीं कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं सिम्टम्स, तो ये दोनों ही मेडिसिन इतनी सिंपल है कि कोई भी इसको ले सकता है, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर आप थोड़े टाइम इसको रेगुलर लेते हैं तो आपकी जो पाइल्स की जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है बायोकेमिक 17। ये पाइल्स नाम से आती है। इसके अंदर चार मेन मेडिसिन होती है जो आप इनके सिम्टम्स अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये वाली जो मेडिसिन है किस कंडीशन में लेनी। सबसे पहली बात तो ये अधिकतर नॉन ब्लीडिंग जो पाइल्स होते हैं उसके अंदर ज्यादा काम आती है। अगर आपकी स्टेज जो है वो हल्की फुल्की है, हल्के फुल्के से आपके पाइल्स आए, आपके हल्के फुल्के से कड़ापन है या हल्का फुल्का दर्द है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी आपकी कंडीशन को खत्म करने में। इसकी जो चारों मेडिसिन है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है उसका नाम है फेरमफोस 3X। ये मेडिसिन जब प्रथम अवस्था होती है सूजन की तब बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको पहले भी पाइल्स की प्रॉब्लम रह चुकी है, अभी हल्के फुल्के से पाइल्स है, हल्की सी सूजन आई है और आपके शरीर में खून की कमी है, वहां पे तापमान बढ़ा हुआ है, जिस एरिया में आपको ब्लीडिंग हो रही है नीचे के एरिया में वहां पे अगर आपका तापमान बढ़ा हुआ है, हालांकि ब्लीडिंग इसमें नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग है, सूजन आई हुई है, तो फेरमफोस 3X मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो कालीमे और 3X। उस मेडिसिन
का काम है कि आपकी जो सेकंड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन होती है उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन। हल्का सा फेरमफोस का जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेज में काम करती है, अगर उससे थोड़ी सी सूजन बढ़ी हुई है और आपको साथ में म्यूकस का डिस्चार्ज भी होता है, चाहे ब्लीडिंग हो रही है चाहे नहीं हो रही है, पायस की आपको समस्या है और आपको म्यूकस का डिस्चार्ज अगर हो रहा है, हल्का सा पेन भी बना हुआ है, तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी जो मेडिसिन है इसके अंदर वो है कैल्केरिया फ्लोर 3x। ये मेडिसिन तब बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब कड़ापन है कहीं भी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी कड़ापन है तो कैल्केरिया फ्लोर 3x पोटेंसी में भी काम में ली जाती है, 6x पोटेंसी में भी काम में ली जाती है, 3200 में भी काम में ली जाती है, लेकिन इस मेडिसिन में इस कॉम्बिनेशन में ये 3x पोटेंसी में होती है कैल्केरिया फ्लोर 3x। तो ये अगर आपके पास में कहीं कड़ापन सूजन आ रही है और उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो दर्द के हों चाहे किसी भी कारण से आपको ब्लीडिंग हो रही है उसकी में, तो ये आपको मेडिसिन हेल्प करेगी। कड़ेपन की वजह से कोई भी तकलीफ हो रही है तो उसको ठीक करने में मदद करेगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कालीफोस 3x। इस मेडिसिन का यूज तब किया जाता है जब नर्वस अफेक्शन हो, यानी कि नर्व टॉनिक के रूप में इसका काफी यूज किया जाता है। पाइल्स के केस में ये कैसे हेल्पफुल है, अगर आपको स्ट्रेस की वजह से पाइल्स हो जा रहे हैं बार बार, और स्ट्रेस और एंजाइटी होती है उसकी वजह से कई बार आपको नींद नहीं आती, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो चुकी है और उसकी वजह से पाइल्स हो रहे हैं, या पाइल्स की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, टेंशन बहुत बना हुआ है, स्ट्रेस, तो उसको ये दूर करने का काम करती है। तो मोटा मोटी अगर हम देखा जाए तो ये चारों मेडिसिन जो है मिलकर आपके अगर हल्की फुल्की सूजन आई हुई है, पेन हो रहा है या बर्निंग हो रही है तो पाइल्स के केस में, तो आपको बहुत मदद करेगी ये वाला कॉम्बिनेशन। उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। लेना कैसे है, चार चार टेबलेट सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार आपको लेना है, आपके पाइल्स की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम दूसरी मेडिसिन की बात करें जो बहुत यूज की जाती है पोटेंसी के साथ भी, मदर टिंचर्स के साथ भी, उस मेडिसिन का नाम है FP टेबलेट्स। FP टेबलेट्स इसलिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसके अंदर 3-4 ऐसी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग अगर दी जाती है तो भी बहुत मार्वलस रिजल्ट है इसका, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका आपके पाइल्स को ठीक करने में। इसके अगर हम इंडिविजुअल सिम्टम देखें तो जो एलोसॉक 3x पोटेंसी में इसके अंदर मिलती है, ये कब काम करती है, जब आपके जो पाइल्स हैं वो बाहर की ओर आए हुए हैं और आपको कई बार उसको बाहर आए हुए हैं तो आपको आपके फिंगर से उसको वापस अंदर भी डालना पड़ता है। दूसरा क्या है, अगर आपको दस्त भी लग रहे हैं उसके बावजूद अगर पाइल्स बने हुए हैं तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है, चाहे फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है चाहे नहीं हो रही है। अधिकतर एलोस जो पोटेंसी में मेडिसिन दी जाती है वो उस कंडीशन में दी जाती है जब नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें एस्कुलस हिप 3x की, तो ये मेडिसिन भी इसके अंदर है FP टेबलेट्स के अंदर, और ये तब ज्यादा काम करती है जब आपको सुई चुभन जैसा दर्द बहुत ज्यादा होता है, उठने बैठने में भी आपको परेशानी आती है और आपका बैकएक जो है हमेशा बना हुआ है, आपका कमर में हमेशा दर्द बना रहता है पाइल्स के साथ, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम FP टेबलेट्स की बात करें तो ये कब ली जानी चाहिए, किसी भी तरह के ब्लीडिंग पाइल्स अगर आपको हैं तो ये मेडिसिन बहुत ज्यादा फायदा करती है। रीजन है क्योंकि इसके अंदर है मिली हुई है हेमामेलिस 3x। हेमामेलिस 3x जो मेडिसिन है ये इसका हेमामेलिस का काम ही है ब्लीडिंग को रोकना, स्पेशली जब डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग होती है बहुत स्लो ब्लीडिंग, तो ये मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन में इस मेडिसिन को इसीलिए मिला रखा है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये तुरंत उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगी और आपके पाइल्स को ठीक कर देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसके अंदर मिली हुई है वो कैल्केरिया फ्लोर 3x। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली मेडिसिन में भी इसका एक्शन बताया था, जो बायोकेमिक 17 का मैंने जिक्र किया था आपसे, सेम एक्शन इसका इसमें भी है। कड़ेपन की वजह से अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके पाइल्स अगर सूजे हुए हैं या उनमें कड़ापन की वजह से आपको दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी तरह की समस्या आ रही है आपको, वो अंदर नहीं जा रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या आ रही है कड़ेपन की वजह से, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। तो कैल्केरिया फ्लोर 3x जो है वो आपको ऊपर वाले मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में भी मिलेगी, यानी कि बायोकेमिक 17 में भी मिलेगी, और ये FP टेबलेट्स जो है इसके अंदर भी आपको कैल्केरिया फ्लोर मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को आपको कैसे लेना है। अब इसकी प्रॉब्लम है आपको गलन सब बना हुआ है, तो आप इस मेडिसिन को 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम करके। ये मेडिसिन आपको काफी अच्छा असर करेगी, आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक मेडिसिन और मिली हुई है जिसका नाम है रटानिया 3x। रटानिया मेडिसिन स्पेशली उस कंडीशन में बहुत यूजफुल है जब जलन एसोसिएटेड हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो पाइल्स से रिलेटेड या फिशर से रिलेटेड, अगर आपको जलन बनी हुई है, चुभन बनी हुई है,
तो ये मेडिसिन आपको बहुत फायदा करती है, आपकी ना केवल जलन चुभन पेन को कम करती है बल्कि आपके पाइल्स को भी ठीक कर देती है। तो ये सारी मेडिसिन कंबाइंड हो गए डाइस के, वो सारे कवर हो जाते हैं, इसीलिए पाइल्स और फिशर के अधिकतर केसेस में पोटेंसी या मदर टिंचर के साथ ये मेडिसिन दी जाती है, स्पेशली जब आपको ब्लीडिंग आ रही हो और जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा वर्स हो। अगर आपको हल्के फुल्की सी प्रॉब्लम है और सूजन ही है ओनली, तो आप बायोकेमिक 17 ले सकते हैं। प्रॉब्लम अगर आपकी ज्यादा बड़ी हुई है और आपको दर्द, चुभन, जलन, ब्लीडिंग सब कुछ हो रहा है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप और मेडिसिन नहीं लेते हैं, केवल एक यही मेडिसिन लेते हैं, तो भी आपको काफी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कंडीशन वर्स है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अकॉर्डिंग पोटेंसी वाली मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है या फिर मदर टिंचर्स की भी जरूरत पड़ती है। मेरा एक और वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।